हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हर दूसरे घर में किसी न किसी को कॉमनली होती है। तो डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल का बढ़ जाना। आइए इसको डिटेल में देखते हैं हम डायबिटीज़ को कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ आपका एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है जिसमें कि आपका ब्लड शुगर का लेवल जो होता है वो नॉर्मल वैल्यू से हाई हो जाता है। डायबिटीज़ मलाइटस जो मेन आपका है टाइप डायबिटीज़ का, दो टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिटस और दूसरी होती है डायबिटीज़ मलाइटस। जो डायबिटीज़ मलाइटस है वो एक तरह का ग्रुप है मेटाबॉलिक डिसीज़ का जिसमें कि आपका पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया यानी कि ईमिया मतलब होता है हमारा ब्लड, ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाना। ठीक, वो किसकी वजह से हो सकता है? या तो इंसुलिन सिक्रीशन आपका कम हो गया हो, या फिर इंसुलिन सिक्रीट तो हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, या फिर हो सकता है ये दोनों ही कारण हो सकते हैं। ठीक, तो इसको और डिटेल में हम देखते हैं आगे। इसकी नॉर्मल वैल्यू, हमारे जो ब्लड शुगर होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू अगर हम फास्टिंग में चेक करेंगे तो वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 70 से 100। और आपकी खाना खाने के बाद जिसको हम पीपीवी बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडियल, वो होती है 140 से कम, ठीक है, 80 से 140। और आपका जो रैंडम होता है, अगर रैंडम मतलब कभी भी आप चेक कर सकते हैं चाहे खाना खाए हो चाहे नहीं खाए हो, ठीक, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 80 से 130। ठीक, अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर उसका लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। दोस्तों, अगर आपका ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से बढ़ गया और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो फिल्टर होके आपका यूरिन में भी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लाइकोज यूरिया। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और यूरिया मतलब यूरिन, तो यानी कि यूरिन में आपका ग्लूकोज का आना। दोस्तों, जो हमारी किडनी होती है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हमारे किडनी में जो ग्लोमेरुलाए होते हैं वो प्रॉपरली फिल्टर करते रहते हैं शुगर को, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को, कि ग्लूकोज आपका जो है यूरिन में ना आए, ठीक है। लेकिन वो कब तक फिल्टर करेगा? 180 mg/dl तक। अगर आपका ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो 180 तक है तो वो आपका फिल्टर कर देगा और वापसी ब्लड में भेज देगा। लेकिन अगर वो 180 से ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? उसको और ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाएगा और आपका यूरिन में पास आउट कर देगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपको कंडीशन हो जाएगी ग्लाइकोज यूरिया। ठीक, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। रीनल थ्रेशोल्ड किसको बोलेंगे? कि आपका जितना उसकी कैपेसिटी है, 180 तक की कैपेसिटी है उसकी फिल्टर करने की, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे दोस्तों, हम जानते हैं पैनक्रियाज के बारे में, क्योंकि पैनक्रियाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। उनमें आपके टू टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। पहला है हमारा अल्फा सेल्स और दूसरा है हमारा बीटा सेल्स। दोस्तों, जो अल्फा सेल्स होता है वो आपका रिलीज करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करेगा? जब भी बॉडी में शुगर लेवल डाउन जाएगा तब आपका अल्फा सेल्स क्या करेंगे? ग्लूकागॉन बनाएंगे और आपकी ब्लड में या आपके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा देंगे। अब जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करते हैं? इंसुलिन रिलीज करते हैं। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? ये बीटा सेल्स जो पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। दोस्तों, डायबिटीज़ मलाइटस जो है हमारी वो बेसिकली दो टाइप की होती है। पहला है हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी है हमारी टाइप 2 डायबिटीज़। अब हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़।
तो दोस्तों जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो होती है हमारी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि ये इंसुलिन पे डिपेंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो अपनी एबिलिटी लूज़ कर चुकी है इंसुलिन बनाने की। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो पेनक्रियाज है वो उसके जो आपके बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। अब या तो वो बीटा सेल्स आपके इंसुलिन बना नहीं पा रहे, या तो वो बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक। ये होता है हमारा, उसकी वजह से जो डायबिटीज़ हो जाएगी पेशेंट को, तो वो कौन सी डायबिटीज़ होगी? टाइप 1 डायबिटीज़। ये एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें कि पैनक्रियाज आपका या पैनक्रियाज के सेल्स आपका इंसुलिन कम बना रहे हैं या फिर बना नहीं रहे हैं। करीब 10% इंडिविजुअल को ये टाइप 1 वाली डायबिटीज मेलाइटस होता है, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होती है, ठीक है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब कि पैनिक्रियास तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन आपकी गलती की वजह से, यानी कि आप कुछ डाइट में ऐसा कुछ ज़्यादा ले रहे हैं या फिर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, या फिर आपकी जो बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही है, या जितना इंसुलिन का सिक्रीशन कर रही है वो आप जितना ले रहे हैं शुगर बाहर से उसको बैलेंस करने के लिए इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया कौन सा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन में इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसमें हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती तो है, पैनक्रियाज बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स खूब इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, ठीक है। ये 80-90% लोगों में होती है, ठीक है। अब तीसरे टाइप की एक डायबिटीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल जो हमारा गेस्टेशनल यानी कि प्रेगनेंसी वाला जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। दोस्तों जो हमारा प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उस दौरान 24 वीक के दौरान क्या होगा, ये प्रेगनेंसी में फीमेल को डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से इस डायबिटीज़ को क्या बोला जाता है? गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। डिसीज़ जो है ये अफेक्ट कर सकता है दोनों को ही, मदर को भी और बेबी को भी। ये क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है कि प्लेसेंटा ना कुछ हॉर्मोन्स बनाता है जो कि इंसुलिन को काम नहीं करने देता, ठीक है। इससे रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? फीटस आपका नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो सकता है। जो लेडी हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। जो उस टाइम पर डायबिटीज़ होगी वो कौन सी होगी? टाइप 2 वाली। क्योंकि टाइप 2 क्यों होगी? बेसिकली आपकी इसलिए होगी क्योंकि इंसुलिन आपका काम नहीं कर पा रहा, और जिसमें इंसुलिन काम नहीं कर पाता है ढंग से वो आपका कौन सा होगा? टाइप 2, ठीक। और या फिर आपका फीमेल को पहले कोई हिस्ट्री रही हो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी में, ये सारे उसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कि ब्लड ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में जो शुगर है वो एक्चुअली में आता कहाँ कहाँ से है, ठीक है। सबसे पहला तो बहुत कॉमन है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें आपका डाइटरी सोर्स, उसमें आपका शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक। दूसरा क्या होएगा आपका? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियो, नियो वर्ड से आप याद रखिएगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन नियो मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट, ऐसे सब्सटेंसेस से या फिर ऐसी चीज़ों से आपका ग्लूकोज बनना, जैसे कि प्रोटीन, फैटी एसिड, इन सब चीज़ों के कन्वर्जन से भी आपका ग्लूकोज बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दूसरा सोर्स आपका ये हो गया, और तीसरा आपका जो सोर्स है वो है आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ओ सॉरी, ग्लाइको जीनोलाइसिस। ग्लाइकोजन आपका इसमें कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। दोस्तों जो ग्लूकोज होता है ना, जो भी हम खाते हैं, अब सारी सारी बॉडी तो हमारा एब्जॉर्ब करके रक्त तुरंत तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको स्टोर करती है, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
और वो ग्लाइकोजन आपका फिर जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो ग्लाइकोजन आपका टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजीनो लाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की लाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना। और जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हॉर्मोन्स इंक्लूड होते हैं ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में, ठीक। तो पहला है हमारा इंसुलिन, जो कि हमारे जब भी हमारे बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो उसको वो कम करने के लिए इंसुलिन हमारी बॉडी रिलीज करेगी, यानी कि हमारा पैनक्रियाज रिलीज करेगा। साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे ग्लूकागॉन, एपाइनफ्राइन और थायरॉक्सिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं ये आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई करने का काम करते हैं। साथ ही कुछ और हॉर्मोन्स भी हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को हाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिरोन, प्लेसेंटल इंसुलिनेज। ये बेसिकली आपका कब निकलेगा, कब रिलीज होगा, प्लेसेंटा जब गेस्टेशन पीरियड के टाइम पे, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स डायबिटीज मेलाइटस के। सबसे पहला है साइन पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया क्या होता है, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम थर्स्टीनेस, यानी कि पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है इस केस में, ठीक है, उसकी प्यास नहीं बुझती। दूसरा पॉलीयूरिया, पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा पेशेंट का, ठीक। पॉलीफेगिया, हो सकता है पेशेंट जो होएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड खाने को या फिर खाएगा, या फिर उसकी इच्छा होगी मैं बहुत सारा फूड खा लूँ, ठीक। वेट लॉस हो सकता है पेशेंट का, पेशेंट को फैटिगनेस आ सकती है, जिसमें कि पेशेंट को फैटिगनेस क्या होता है कि आपका फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, कि पेशेंट टायर्ड फील करेगा, ऐसा बिल्कुल एनर्जी नहीं है उसके अंदर, ऐसा फील करेगा, जल्दी थक जाएगा, ये सब चीज़ें उसकी साइन और सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब इसके हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में है हमारा हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। दूसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइपोग्लाइसीमिया तो हमने पहले देख ही लिया था कि ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में कम हो गया है। अब डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में क्या होगा कि आपका इंसुलिन जब कम हो जाएगा तो आपका लीवर जो है वो आपका कीटोन बॉडीज, यानी कि आपका बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, एसिटोएसिटिक एसिड, ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तीसरा आपका जो कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक नॉन किटोटिक सिंड्रोम, HHNKS, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, हाइपर ग्लाइकेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको हम। इसको हम थोड़ा इन तीनों कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं याद रखने के लिए। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, हाइपर ग्लाइसीमिया, डायबिटिक केटो एसिडोसिस और HHNKS, ठीक है। इन केस में तो पर्सन जो होएगा वो कौन से रिस्क में होएगा, हाइपोग्लाइसीमिया के केस में जो कोई भी पर्सन आपका इंसुलिन ले रहा होगा वो पर्सन रिस्क में होगा, क्योंकि क्या होगा, जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट को डायबिटीज़ तो हो गया है, लेकिन पेशेंट जब डायबिटिक पेशेंट होगा तो वो दवाइयाँ खाएगा इंसुलिन की, ठीक है, या फिर इंसुलिन के इसको इंजेक्शन लगेंगे, ठीक। अब कई बार क्या होता है कि इंसुलिन पेशेंट दवाई ले लेता है तो क्या होता है कि ना आपका इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर एकदम से डाउन चले जाता है, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाता है कभी कभार, तो उसको ज़बरदस्ती हम उसको फिर ग्लूकोज पिलाना पड़ता है हमको, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इंडिविजुअल विद रैपिडली फ्लैक्चुएटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिनका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बार बार ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक। सेम हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में बात करें तो जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उन लोगों को ये चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जिन लोगों ने डायबिटीज़ पहले कभी चेक नहीं कराई उनको एकदम से ही कई बार पता चलता है कि उनको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो गया है, ठीक है। और तीसरा HHNKS, ये तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसमें आपका शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपका किस में होगा, कौन 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 से लोगों में हो सकता है, ये जो लोग अडल्ट होते हैं, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, या फिर कोई पेनिक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, जिन पेशेंट्स को पेनक्रियाज की दिक्कत है
उनको ये दिक्कत हो सकती है। ठीक, अब लैब वैल्यूज़ की अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया में, तो इसमें शुगर का लेवल 30 से कम बच्चों में और 50 या 60 से भी आपका कम किस में चले जाता है, अडल्ट्स में। ठीक, इंसुलिन की वजह से, क्योंकि बॉडी ने इंसुलिन एकदम से ले ली है और इंसुलिन लेने की वजह से एकदम से शुगर डाउन चला गया। ठीक, दूसरा हम डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में देखें अगर हम, तो इसमें शुगर का लेवल 250 से ऊपर चले जाता है, तब उसको ये कंडीशन होती है पेशेंट को। इसमें क्या होगा, आपका प्लाज्मा में कीटोन बॉडीज़, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड है, आपका कीटो एसिटो एसिटोन एसीटोन है, एसिटेट है, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं आपके शुगर आपके ब्लड के अंदर। ठीक, तीसरा है हमारा जो HHNKS, उसमें क्या है आपका कि आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ये, तो इसमें शुगर का लेवल 600 से ऊपर पहुंच जाता है। और साथ ही साथ पेशेंट का जो बन होगा, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन, वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस। आगे इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो पेशेंट को आँखों में रेटिना में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है, न्यूरोपैथी हो सकती है, न्यूरॉन्स में दिक्कत हो सकती है, बीपी की दिक्कत हो सकती है, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, लीवर में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, यानी कि आपका जो स्टमक की जो मसल्स हैं उन वो एबनॉर्मल तरीके से मूव कर सकती हैं। ठीक, और आपका पेशेंट को नेफ्रोपैथी हो सकता है, न्यू आपके किडनी में डिसीज़ हो सकता है कोई ना कोई, ठीक है, इसकी आपकी शुगर की वजह से, या फिर पेशेंट को आपका इम्यूनो सप्रेशन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, और या फिर डिक्रीज कॉग्निशन। डिक्रीज कॉग्निशन में बेसिकली आपका क्या होगा, पेशेंट को याद रखने में दिक्कत होती है, पेशेंट चीज़ें भूलने लगता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। आगे देखते हैं लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में दोस्तों पहला आता है हमारा ब्लड शुगर फास्टिंग। इसको डॉक्टर्स कभी कभार BGF या फिर FBS भी लिख देते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग, फास्टिंग ब्लड शुगर, तीनों एक ही चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट है। और BSPP जो मैंने बताया था, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में। ठीक, तो ये क्या, इसको डॉक्टर कई बार BGPP भी लिख देते हैं, ठीक है, ये भी टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स। और तीसरा जो है वो है ब्लड शुगर रैंडम या फिर RBS, रैंडम ब्लड शुगर। ये टेस्ट कब होगा, कभी भी। GTT, ये जो टेस्ट है ये भी आपका शुगर लेवल को चेक करने के लिए होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और एक और टेस्ट होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ठीक है, ये भी टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं। साथ ही साथ HbA1c जो है वो भी एक टेस्ट है शुगर को डिटेक्ट आपको जानने के लिए। HbA1c में बेसिकली क्या होगा कि ना हम 3 महीने का शुगर लेवल पता कर पाते हैं, ठीक है, लास्ट 3 मंथ का हमको शुगर लेवल पता चलता है ब्लड के अंदर क्या था। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये भी एक टेस्ट है जो कि हम करवाते हैं। इससे कुछ कोरिलेटेड टेस्ट भी हैं, जैसे कि हमारा फ्रुक्टोजामिन और लिपिड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट भी डॉक्टर साथ में करवा कर देखते हैं, क्योंकि इन टेस्ट से भी इस पे डायबिटीज़ जो है इन टेस्ट पर भी फ़र्क डालती है। ठीक, आगे कुछ हम मॉनिटरिंग डिवाइसेस देखते हैं, जैसे कि हमारा फ्री स्टाइल लिब्रे एक आपका डायबिटीज़ के लिए डिवाइस है, क्योंकि लोगों को बार बार फिंगर प्रिक के दौरान उनको बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती थी तो उनको दर्द होता था, उन सबको हटाने के लिए एक नया डिवाइस आया फ्री स्टाइल लिब्रे। इसमें क्या होता है, एक सेंसर होता है, ठीक, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया था इस तरह का, जो पेशेंट ने हाथ में लगा रखा है एक सेंसर है, वो सेंसर पेशेंट को 14 डेज तक प्लेस करके रखना पड़ता है, या आपकी स्किन के 5 mm डीप चले जाता है, ठीक है, और पेशेंट लगा के उसको घूम सकता है आराम से। ठीक, और सेंसर जो है आपका हर 15 मिनट में रीडिंग लेते रहता है उसकी। ठीक, और इसको रिप्लेस करना चाहिए हमको हर 14 डेज के अंदर, तो आपको पेनफुल जो प्रिकिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट है इसका प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप्स और BGR-34। दोस्तों जो BGR-34 है वो एक ड्रग है जो कि CSIR द्वारा बनाई गई है, ठीक
ठीक है, ये क्या करती है कि बेसिकली जो इंसुलिन है, इंसुलिन से पहले एक कंडीशन होती है, एक फेज़ होता है प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करने का काम ये ड्रग करवाती है, ताकि इंसुलिन एक्टिवेट हो जाए और आपका इंसुलिन जाके उस पर एक्ट कर पाए आपके शुगर मॉलिक्यूल पे, ठीक है, सेल्स पे, और जिससे आपका शुगर का लेवल कम हो जाए। साथ ही साथ ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है ब्लड ग्लूकोज के सिंथेसिस को, और आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का काम करती है। और ये सबसे ज़्यादा स्टडी करी हुई और क्लिनिकली अप्रूव्ड ड्रग है। साथ ही साथ हम कुछ हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लड शुगर को कम करने के लिए कुछ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सल्फोनाइल यूरिएज, ठीक है। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, एक्सीटो हेक्सामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ये सारी ड्रग्स जो हैं हम नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी हमारी डायबिटीज़ से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।